ओके जी, वेलकम टू द क्लास CS 362L ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्रामिंग। एंड आज की सेशन में वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्दर सोर्सेज ऑफ लर्निंग और जहां से आप नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं मज़ीद। और इस सेमेस्टर में आपने जो ऑपरेटिंग सिस्टम की लैब में कॉन्सेप्ट्स लर्न किए उनकी बेसिस पे आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। जैसा कि यू गाइस नो दैट कि आपके पास सिस्टम प्रोग्रामिंग या कर्नल प्रोग्रामिंग का सेपरेट कोर्स करिकुलम में नहीं है। 10 सेशन 2010 सेशन से UET लाहौर के अंदर आफ्टर रिक्वेस्ट जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम की लैब जो है वो इंट्रोड्यूस हुई थी। उससे पहले सिर्फ थ्योरी ही जो है वो हुआ करती थी। 99 में UET में BSc कंप्यूटर साइंस की डिग्री स्टार्ट हुई थी। सो 99 से लेके 2010 तक जो 2009 सेशन तक जो 11 सेशंस थे उन्होंने इसकी लैब नहीं की। और लैब ये इंट्रोड्यूस हुई थी 2010 सेशन ऑनवर्ड से। और अच्छी बात थी कि इसके अंदर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम की कर्नल की प्रोग्रामिंग स्टूडेंट्स 10 सेशन से करते चले आ रहे हैं और उनको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जो है वो मिल रहा है। इसके साथ जो कुछ रेलिवेंट कोर्सेज हैं, जैसा कि सिस्टम प्रोग्रामिंग एक कोर्स है 3+1 6 आवर्स का, उसमें आप हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर डिवाइस ड्राइवर्स को यूजुअली प्रोग्राम करते हैं। एक बड़ा पोर्शन उस कोर्स का जो है वो डिवाइस ड्राइवर्स प्रोग्रामिंग है। और साथ आप डिफरेंट ICs को भी प्रोग्राम करते हैं, जैसे DMA कंट्रोलर की प्रोग्रामिंग है, वो डिवाइस हॉल के अंदर ही वो बेसिकली कवर हो जाते हैं, जो कर्नल से नीचे की आपकी लेयर होती है। इसी के साथ साथ ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्रामिंग या कर्नल प्रोग्रामिंग भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ में कोर्स ऑफर होता है, वो भी 3+1 है, जिसमें आप थ्योरी के अंदर भी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं और लैब में उनको अप्लाई करते हैं। तो ये दो इससे इंटर रिलेटेड कोर्सेज हैं। हमारा जो कोर्स था इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम था, उसमें थ्योरी में आपने इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट्स पढ़े ऑपरेटिंग सिस्टम के, और लैब में यू हैव अप्लाइड दोज कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली। और हमने लैब में साथ साथ ये भी कोशिश की कि हम जनरलाइज स्टडी को जारी रखें, ताकि आप जब इस नॉलेज बेस को आगे अप्लाई करें तो आपको इसमें ज़्यादा इश्यूज सामने ना आए, जैसा कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक से लेके रिसोर्स मॉनिटर, रूट प्रोसेस और द लिस्ट गोज ऑन। हमने कोशिश की है हम इसको जनरलाइज तरीके से इसको स्टडी करें, लेकिन ऑब्वियसली लैब है तो लैब में ऑब्वियसली यू हैव टू डू हैंड्स ऑन प्रैक्टिस ऑन अ सिस्टम। तो आपको मैं कुछ बुक्स आप मुझसे ले भी सकते हैं जो कि लिनक्स प्रोग्रामिंग में, इसका लेटेस्ट एडिशन आपने लेना, ये तो वो इसका फोर्थ एडिशन था विच आई स्टार्टेड लॉन्ग टाइम अगो, बल्कि इसका दूसरा एडिशन भी मेरे पास था। बिगिनिंग लिनक्स प्रोग्रामिंग, ये वो पहली किताब है जो कि आप सेल्फ स्टडी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें आपका जो चार्ल्स पेट्ज़ोल का नॉलेज है और इस कोर्स की लैब का नॉलेज है, ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। एंड यू विल फाइंड दैट लिनक्स प्रोग्रामिंग इज़ क्वाइट ईजियर बिकॉज यू हैव द सोर्स कोड विद यू एज वेल ऑफ द कर्नल, ठीक है। तो इसमें शेल प्रोग्रामिंग से स्टार्ट होता है, फिर इसमें फाइल्स का बताते हैं, लिनक्स के GUI के बारे में बताते हैं, उसके जो टर्मिनल्स होते हैं। इसके अलावा जो आपने टेक्स्ट मैट्रिक्स पढ़ा था, आपको याद होगा, वो इसके छठे चैप्टर में आपकी टेक्स्ट बेस्ड स्क्रीन और कर्सर्स तो आपने पहले चैप्टर में ही कर लिए थे। इसी तरह से आगे आपके जो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, प्रोसेस और इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन है, जैसे DLL में हम करते हैं, तो 11वें चैप्टर में इसमें अवेलेबल है और 13वें के अंदर भी जारी रहती है। और 14 के अंदर फिर हम थोड़ा सा पैरेलल प्रोसेसिंग की तरफ चले जाते हैं और आगे नेटवर्क प्रोग्रामिंग है सॉकेट्स की। और फिर आपको पता है कि GDI एज अ सेपरेट लेयर काम करती है, नॉट पार्ट ऑफ कर्नल होती है लिनक्स में। तो इसकी जो GDI है, GNOME, GTKE, GTK और KDE, इसकी प्रोग्रामिंग आपको 16वें और 17वें चैप्टर में इस बुक के अंदर नज़र आ रही है। सो ऑलमोस्ट यू विल फाइंड इट सिमिलर बट ईजियर, लिटिल बिट ईजियर दैन वॉट वॉज विंडोज, नॉट दैट मच यू नो, लेकिन कंपेरेटिवली आसान इसलिए लगेगा कि कॉन्सेप्ट आपके पास पहले ही आपके पास अवेलेबल हैं। लेकिन आप में से वो लोग जिन्होंने लिनक्स को इस्तेमाल नहीं किया, उनके लिए थोड़ा सा ये डायरेक्ट प्रोग्रामिंग की तरफ जाने से बेहतर है कि मैं पहले कहूँगा कि आप थोड़ा सा लिनक्स को
इस्तेमाल करें एज अ डेली ऑपरेटिंग सिस्टम। सिर्फ इंस्टॉल करके दो दिन देख लेना यूजेज नहीं होता, आप इसको डुअल बूट अपने सिस्टम को करें और इसको एक सेमेस्टर एटलीस्ट इस्तेमाल करें ताकि आपको आइडिया हो कि हु इज़ हु एंड व्हाट इज़ व्हाट इन लिनक्स। ठीक है, फेडोरा की कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, पहले रेड हैट भी फ्री होता था लेकिन अभी वो उसके चार्जेस हैं, फेडोरा इज़ फ्री। तो लिनक्स को इंस्टॉल करना और उसके यूजेज के लिए ये जो लिनक्स बाइबल है इसका कोई भी लेटेस्ट एडिशन आप ले सकते हैं। ये फेडोरा 11 का है, जो मैंने बीएससी में सेल्फ स्टडी किया था उस वक्त रेड हैट लिनक्स 7 जो है वर्जन उसका था इन आर बीएससी टाइम्स एंड वी स्टडीड दैट फ्रॉम बाइबल एज वेल। तो बाइबल सीरीज़ के अंदर ए टू जी आपको सारी चीज़ें मिलेंगी एंड इट्स अ सेल्फ स्टडी गाइड। इसके अंदर 4-5 मॉड्यूल्स होंगे और आप ये ईजीली इसको ग्रैस्प कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह एक और अच्छी किताब जो कि लिनक्स के ऊपर है, ये देखें, ये उसका 9th एडिशन आपके सामने है बाइबल का ही। तो बाइबल इज़ क्वाइट एनफ, रॉक्स वालों का भी है जिनकी मैंने अभी आपको प्रोग्रामिंग दिखाई थी, ये वाली सीरीज़ रॉक्स पब्लिशर्स की सीरीज़ में लिनक्स का यूजेज गाइड भी आपको मिल जाएगा, वो भी मेरे पास है। लेकिन IT परस्पेक्टिव में, प्रोग्रामिंग में तो ये बहुत अच्छा है क्योंकि नील मैथ्यू और रिचर्ड स्टोन बड़े रिनोव्ड प्रोग्रामर्स हैं और अच्छी बुक्स लिखते हैं। सॉरी, यूजेज में आप बाइबल को कंसीडर करें, इसका कोई भी लेटेस्ट एडिशन उठा लें तो दिस इज़ वेरी गुड। तो आप एक सेमेस्टर इसको इस्तेमाल करें एंड देन यू कैन गो टू प्रोग्रामिंग एंड विच इज़ क्वाइट सिमिलर टू विंडोज प्रोग्रामिंग। और डिफ़िकल्टी लेवल पर आप इसे थोड़ा सा आसान पाएंगे बिकॉज यू हैव द सोर्स कोड with you as well। तो ये सेल्फ स्टडी बुक आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें आपका विंडोज का नॉलेज जो है वो आपको हेल्प आउट करेगा। इसमें लिनक्स की डेफिनेशन से लेके एडिटर्स और सी के कंपाइलर से आपको ये लेके जाएगा और जैसे आपने हेलो विंडो प्रिंट किया था वैसे ही ये बुनियादी शेल के वेरिएबल कंडीशन से आपको लेके जाएगा सिस्टम प्रोग्रामिंग में और फिर फाइल से होते हुए लिनक्स टर्मिनल से होते हुए जो चौथा चैप्टर था आपका चार्ल्स पेट्ज़ोल का, वो इस किताब में 6ठे नंबर पे आएगा कि किस तरीके से आपका विंडो स्ट्रक्चर काम करता है, टेक्स्ट कैसे आते हैं, कर्सर किस तरह से शो होते हैं। और उसके बाद कुछ डेटाबेस के हैं वो आप स्किप भी कर सकते हैं, पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। फिर इसने डेवलपमेंट टूल्स की बात की हुई है चैप्टर 9 में, जो हमने SDKs और व्यू स्टूडियो की बात की थी पहले लेक्चर के अंदर। और डीबगिंग पे जनरल एक चैप्टर है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक और प्रोसेस स्ट्रक्चर पे 11वां चैप्टर है जो हमारा 3rd चैप्टर था चार्ल्स पेट्ज़ोल के अंदर। आगे नेटवर्क प्रोग्रामिंग है वो आप स्किप कर सकते हैं, पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। POSIX है, पाइप्स हैं इसमें। और फिर हमने जो ऊपर पे काम किया था सीमा फोर्स का, वो इसमें यहाँ पे इसने प्रोग्रामिंग करके दिखाई हुई है। ये आपके चार्ल्स पेट्ज़ोल में भी है गालबन 21वें चैप्टर के अंदर पैरेलल प्रोसेसिंग का। और 15th चैप्टर आपका सॉकेट्स का है, नेटवर्क प्रोग्रामिंग का है। आगे फिर इसने कुछ GDI के चैप्टर्स दिए हुए हैं। तो आप एक ओवरव्यू आइडिया इसमें फर्दर सोर्सेज ऑफ लर्निंग में इन बुक्स के साथ आप ले सकते हैं और मैं ये बुक्स आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। पहले मेरे पास हार्ड कॉपीज़ में थी बट ड्यू टू स्पेस कंस्ट्रेंट्स मैंने अपनी वो पूरी लाइब्रेरी कुछ साल पहले गालबन 2014 में जो है वो डोनेट कर दी थी। जो बुक्स थी वो ज़्यादा हो गई थी और स्पेस जो है वो कम थी, आई डोनेटेड ऑल दोज बुक्स। तो फिर इनके ई वर्जन जो हैं वो मैंने डाउनलोड किए हमारी फास्ट की लाइब्रेरी से। यहाँ पे एक लाइब्रेरियन होते थे नदीम साहब, अभी वो फास्ट में होते हैं, तो वहाँ से मैंने उनसे कुछ बुक्स जाके तो डाउनलोड की थी। मेरा ख्याल है रचना में भी शायद ये फैसिलिटी ई बुक्स वाली अवेलेबल है डाउनलोड की, जो सम टाइम फंक्शनल भी होती है, वहाँ से भी आप ई लाइब्रेरी से ये बुक्स ले सकते हैं। तो अब थोड़ा सा मैं इन बुक्स को बंद करता हूँ और हम थोड़ा सा चलते हैं अपने सिलेबस की तरफ। तो अगर हम अपना सिलेबस पे नज़र दौड़ाएँ तो हमने सिस्टम प्रोग्रामिंग एवोल्यूशन देखा था चैप्टर 1 से, कॉन्सेप्ट्स देखे थे 1.0 से स्टार्ट करके और
40s से लेके हम ट्रेंड्स देखते हुए आए थे, 40s, 50s, 60s, 70s, 80s, 90s, 21st सेंचुरी. ऑपरेटिंग सिस्टम का भी हमने देखा था, पहले जस्ट लाइक एम्बेडेड सिस्टम्स होता था और फिर जेनेरिक ओएस का ज़माना आ गया मल्टीक्स के फील्ड प्रोजेक्ट के बाद. ये वीक वन की हमारी कार्रवाई थी. सेकेंड वीक में हमने जो है वो चैप्टर थ्री को स्टार्ट किया था. डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म की बात की थी, स्टैंडर्ड डेवलपमेंट किट्स का तस्करा किया था, कर्नल के कंपोनेंट्स की बात की थी, कोर यूज़र और जीडीआई इसकी हमने बात की थी, ठीक है. प्रोग्राम के एंट्री पॉइंट्स देखे थे जो आपके विंडोज़ के कर्नल विन एपीआई विन मेन होता, इसी तरह से हमने सिस्टम का आर्किटेक्चर देखा था, विंड प्रॉक और डेफिन प्रॉक का काम देखा था वीक टू में. फिर हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था नेटिव इनकोडिंग डेफिनेशन क्या होती है, एनईडीज और ASCII और यूनिकोड को देखा था. फिर हमने प्रोग्रामिंग टू रजिस्टर नेटिव एंड नॉन नेटिव इनकोडिंग विद द कर्नल के जो आपका रजिस्टर क्लास का फंक्शन है उसकी प्रोसेसिंग देखी थी कि उसमें वो ट्रांसलेट वाला भी आ जाता है कि अगर आपका नेटिव कोड है विंडोज़ 10 आप यूज़ कर रहे हैं, यूनिकोड है और ASCII का कोई फंक्शन आ गया तो उसे ट्रांसलेट मैसेज ट्रांसलेट कर देगा. तो ये वाले कॉन्सेप्ट्स हमने फिर चेक किए थे. फिर हमने प्रोसेस प्रोग्रामिंग स्टार्ट की थी, PCB का हमने प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को पढ़ा था, उसके डेटा स्ट्रक्चर और क्लासेस देखी थी, फील्ड्स देखी थी. और ये पाँचवें हफ्ते में भी जारी रहा था. जो मेजर प्रोग्राम था उसमें 18 फंक्शंस और 6 स्ट्रक्चर्स थे. हमने उसका एक वाइवा भी किया था और उसको बड़ी तफसील के साथ किया था और आपको 10 प्रोग्राम्स की असाइनमेंट भी मिली थी. और फिर आर्किटेक्चर ऑफ मैसेज पासिंग हमने देखा था कि जो आपके पास कॉल बैक होता है वो किस तरह से काम करता है. जब क्रिएट विंडो होता है तो HWind क्रिएट हो जाता है, HWind से आपका विंड प्रॉक एक्टिव हो जाता है और किस तरह से आपकी जो पैरम्स हैं वो काम करते हैं. तो मैसेज पासिंग हमने देखी थी, बेसिक मॉड्यूल्स. फिर क्यूड एंड नॉन क्यूड मैसेजेस को भी हमने देखा था कि जी क्यूड आपके कौन से होते हैं और नॉन क्यूड आपके कौन से होते हैं. एमरजेंसी मैसेजेस सारे नॉन क्यूड होते हैं, बाकी सारे क्यू में प्लेस हो जाते हैं. इसी तरह से हमने फिर आगे आने वाले हफ्तों में ईद के बाद मिड टर्म के बाद हमने पैरेलल प्रोसेसिंग भी स्टार्ट की थी. ऊपर में हमने सिमुलेट किए थे एक से ज़्यादा प्रोसेसेस आपस में कैसे काम करते हैं, चैनल्स किस तरह से काम करते हैं. सीमाफोर उसमें दिया हुआ था, वो भी हमने चला के देखा था. इसमें बाद में चलाया था, शुरू में हमने शुरू में हमने मल्टीपल जो आपके ऐड होते हैं प्रोसेसेस वो देखे थे. ओके, ये वही ओपल का आ गया, ओपल सिमुलेटर. और इसमें हमने म्यूटेक्स भी चलाया था और दूसरे वाला मैंने कहा था कि आपने बना लेना. फिर GDI प्रोग्रामिंग आ गई थी जिसमें टेक्स्ट मैट्रिक्स का डेटा स्ट्रक्चर था, फॉन्ट्स थे और बेसिक्स ऑफ कर्नल GDI प्रोग्रामिंग थी. उसमें बिगिन पेंट है और आपने HDC ऑब्टेन करने के लिए गेट DC बिगिन पेंट का इस्तेमाल सीखा था. फिर आपने इंटरप्ट हैंडलिंग्स देखी थी, इंटरप्ट्स हमने कीबोर्ड के किए, माउस के किए, टाइमर का भी आगे आएगा. इंटरप्ट हैंडलिंग माउस और कीज़ में इनकी जो वर्चुअल कीज़ थी किस फाइल में स्टोर होती हैं, कैसे रिट्रीव्स होती हैं, किस पैरम पे आपने स्विच लगाना है, कैसे इसे हैंडल करना है. फिर बहुत अहम चीज़ आपके पास मल्टी प्रोसेसिंग के लिए टाइमर था, क्योंकि टाइमर का इस्तेमाल है जिसके ज़रिए आप मल्टी टास्किंग और मल्टी प्रोसेसिंग को इफ़ेक्टिव कर सकते हैं OS के अंदर. उसके हमने मेथड 1 और मेथड 2 देखा था. टाइमर 1 के अंदर तो हमने उसका एक केस बनाया था और टाइमर 2 में हमने टाइमर प्रॉक देखा था जो मेथड 2 था. उसके बाद ही हम डायनेमिक लिंक लाइब्रेरीज के ऊपर आ गए थे और फिर हमने उसके अंदर जो है आपने उसकी एग्जांपल सॉल्व की थी और उस पर एक सेशन हमारा डीबगिंग का और भी हो जाएगा. तो ये हमारा सिलेबस अल्हम्दुलिल्लाह ऑटोमेटा थ्योरी का भी और यहाँ पे भी हमारा जो सिलेबस है और जो हमारे कोर्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ऑलमोस्ट अचीव हो गए हैं. हमने OS प्लेटफॉर्म जो है उस पर सी की प्रोग्रामिंग की है, ऑपरेटिंग सिस्टम की, और प्रोसेस को बनाना, आपस में कम्युनिकेट करना, प्रोसेस एंट्री पॉइंट और रिसोर्स मैनेजर का, डिफ़ॉल्ट विंडो प्रोसीजर का वो भी देखा था. और हमने कॉन्करेंट प्रोसेसेस भी देखे हैं, जैसे DLL में हम कॉन्करेंसी को परफॉर्म कर रहे हैं, ऊपर सिमुलेटर के अंदर कर रहे हैं. और इसी तरह से डाइवर्स इंजीनियरिंग मैट्रिक्स हमने तकरीबन PCB से लेके मेमोरी मैनेजमेंट तक सारे मैट्रिसेस को हमने कवर किया इसके अंदर, ठीक है. स्केजुलिंग में हमने म्यूटेक्स को परफॉर्म किया, ठीक है. और मैंने आपको टास्क दी थी कि आप अपना डेडलॉक के बगैर वाला प्रोग्राम मल्टी प्रोसेस का बनाने की कोशिश कीजिए ओपन के ऊपर. असाइनमेंट्स जो आपको मिलती रही हैं मुसलसल CP की लैब असाइनमेंट्स, उससे आपके अंदर कमिटमेंट टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग होपफुली पैदा हुई होगी. और ऑपरेटिंग सिस्टम ऑब्वियसली हमने बात की कई दफ़ा, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो होते हैं, जब ऑपरेटिंग सिस्टम एक्यूरेसी की बात की थी कि जितनी भी हमारी लाइफ है वो सारी की सारी डिजिटाइज हो चुकी है और कोई भी डिवाइस है उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम तो काम कर रहा है जिसके ऊपर ऐप चल रहे हैं. तो इसका इम्पैक्ट जो है ये हमने वीक 1 में किया था, अगर आप याद हो, जब हमने वीक 1 और 2 में
फाउंडेशन की थी ऑपरेटिंग सिस्टम की, 40 से लेके 2020 इनकी एप्लीकेशन और आगे किस पे रिसर्च हो रही है। तो उसमें हमने देखा था कि इसका सोशल, साइंटिफिक इंजीनियरिंग और टेक्निकल इम्पैक्ट है सोसाइटी के ऊपर। तो बाकी प्लेजरिज्म गाइडलाइंस यही हैं कि आपने जो असाइनमेंट्स जमा कराई हैं अगर वो आपकी कॉपीड होंगी तो आपको इसके अंदर WF लग सकता है, और मैं आपको टाइम टू टाइम मोटिवेट करता रहा हूँ कि आपको चीटिंग नहीं करना चाहिए। तो हमने अब मोर और लेस अपने जो कोर्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको माशाल्लाह अचीव किया है, सिलेबस को कंप्लीट किया है, और इसके अलावा हमने थ्योरी की बुक को भी शुरू में टच किया था जब अभी वो थोड़ा सा यहाँ से पोर्शन लेना था हमने, जो आपने 19th चैप्टर था गालबन, जो हमने आर्किटेक्चर देखा था ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो हॉल, बायोज और कर्नल, और कर्नल की कंपोनेंट्स और ऊपर उसके ऊपर ऐप लेयर। कुछ हमने इसके अंदर से भी मुझे याद पड़ता है एक आधे लेक्चर में इस बुक से भी थोड़ी सी हेल्प ली थी एंड्रयू की किताब से। तो ये हमारा कोर्स था जिसमें हमने एंड्रयू जो आपकी शिल्बर्ट की किताब है, विलियम स्टैलिंग की है, एंड्रयू स्टेनबॉम्स की है, ओपल सिमुलेटर के नोट्स हैं, उससे हमने इसके अंदर हेल्प ली थी और इनको कवर किया है। फ्यूचर में भी मैंने आपको बता दिया कि आप किन तीन बुक्स के साथ, दो बुक्स से आप प्रोग्रामिंग और बाइबल से आप जो है मज़ीद अपनी लर्निंग को इन्हेंस कर सकते हैं। ओके जी, इसके अलावा आपके करिकुलम के अंदर और कौन से कोर्सेज हैं जो कि इसकी इन्हेंसमेंट के तौर पे काम कर सकते हैं? उसमें एक कोर्स है पैरेलल प्रोग्रामिंग, जो मैंने 1-4 सेशन को पढ़ाया था, ऑप्शनल कोर्स है, और उसमें इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, पाइप, सिग्नल्स, ये जो भी आपने देखे थे, ये सारी प्रोग्रामिंग उसके अंदर होती है, म्यू कैलकुलस होती है उसमें, ठीक है। तो पैरेलल प्रोग्रामिंग मैंने उनको बच्चों को कराई थी, वो ऑपरेटिंग सिस्टम का उसकी प्रीरिक्विजिट है, और वो डेटा स्ट्रक्चर्स प्रोग्रामिंग फंडामेंटल OS उसकी प्रीरिक्विजिट्स हैं, तो वो आप ऑप्शनल कोर्सेज में पढ़ सकते हैं। पैरेलल प्रोग्रामिंग का एक कोर्स है, उसमें अनफॉर्चुनेटली लैब नहीं है, 3 hours पर वीक हैं, क्योंकि उसका नाम प्रोग्रामिंग है तो ऑब्वियसली आपको प्रोग्रामिंग ही करना होती है उसमें। वो OS की एक एडवांस फॉर्म है, उसके अंदर इसका इस्तेमाल है। इसके अलावा आपकी BSc में इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन का एक कोर्स है, इंटर नेटवर्किंग विद TCP/IP यूनिक्स, तो TCP/IP जो है प्रोटोकॉल, उसकी इंटर नेटवर्किंग के ऊपर भी एक ऑप्शनल कोर्स है फाइनल ईयर के अंदर, उसके अंदर भी यही सारा नॉलेज इस्तेमाल होता है। हम नेटवर्क प्रोग्रामिंग की तरफ चले जाते हैं। आप पेटजॉल्ट के भी पोर्शन 3 में देखें तो सॉकेट प्रोग्रामिंग उसने दी हुई है। इसी तरह से मैंने अभी आपको वॉक्स पब्लिशर की लिनक्स प्रोग्रामिंग दिखाई थी, उसमें भी सॉकेट्स, पाइप्स जो थे वो मौजूद थे। तो ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर आप जो प्रोग्रामिंग करते हैं TCP/IP के अंदर, तो वो उस कोर्स के अंदर मौजूद है। ये भी बगैर लैब के है लेकिन प्रोग्रामिंग का कोर्स है, तो इसके अंदर भी आपकी समझ लें कि एक एडवांस लेवल का कोर्स है। हाउएवर अभी तक सिस्टम प्रोग्रामिंग और ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्रामिंग, ये दो कोर्स ऑप्शनल्स में नहीं है अवेलेबल BSc लेवल पे जो कि आप पढ़ सकें। अलबत्ता पैरेलल प्रोग्रामिंग और इंटर नेटवर्किंग विद यूनिक्स TCP/IP, ये दो कोर्सेज हैं जिसमें आप ये जो आपने प्रोग्रामिंग सीखी है इसको एक्सपैंड कर सकते हैं इसकी लैब में। बेसिकली थ्योरी तो आप अलग से आपको पढ़ा रहे हैं शाहिद साहब, तो वो उन सर से आप डेफिनेटली वो आपको फर्दर सोर्सेज ऑफ लर्निंग में गाइड करेंगे कि उस नॉलेज के फर्दर आपके BSc में कौन से कोर्सेज आप पढ़ सकते हैं ऑप्शनल्स में से, और ख़ुद से सेल्फ स्टडी करके आप उस नॉलेज को कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स सर्टिफिकेशंस में अगर मैं बात करूँ फर्दर सोर्सेज ऑफ लर्निंग के टॉपिक से ही, तो जावा रेड हैट प्रोफेशनल्स की भी एक जो है वो सर्टिफिकेशन है, वो भी आप कर सकते हैं। अभी तो वो चला गया है रेड हैट कंपनी के पास, पहले वो सन माइक्रो सिस्टम के पास उसका लाइसेंस था, तो रेड हैट प्रोफेशनल्स ही उसका RHP के नाम से है। वो आप लिनक्स की बाइबल को पढ़ के तो वो आप सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट में अगर विंडोज़ के हवाले से देखें तो सबसे बुनियादी सर्टिफिकेशन है A+, जो कि आप माइक्रोसॉफ्ट के एग्ज़ाम्स दे के कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। और उसके बाद आपके पास है जी MCSE, थोड़ा सा नेटवर्किंग की तरफ भी चला जाता है, एक माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सिस्टम डेवलपर है MCSD, वो सर्टिफिकेशन भी आप कर सकते हैं, उसके अंदर आपको ये नॉलेज भी हेल्प आउट करेगा। लेकिन क्योंकि OS की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो उसके अंदर आपके पास A+ है, और अगर OS कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सिस्टम इंजीनियर की सर्टिफिकेशन MCSE, वो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम की थ्योरी में आपने जो नॉलेज खास तौर पे पढ़ा है
उसको अप्लाई करते हुए लैब में कम और थ्योरी का ज़्यादा आप एमसीएससी कर सकते हैं सर्टिफिकेशन। रेड हैट आप आगे पढ़ेंगे तो उसकी भी सर्टिफिकेशन आपके पास, रेड हैट प्रोफेशनल की भी है और उसकी पूरी सीरीज़ है जो कि आप रेड हैट की वेबसाइट पे जाके तो वहाँ पे आप पॉसिबल सर्टिफिकेशंस देख सकते हैं। तो ये कुछ स्टूडेंट्स किताब थी, बुक्स थी जो कि आप आगे फ्यूचर में सेल्फ रेफ़र कर सकते हैं। अगर आपको ये कोर्स अच्छा लगा है, वॉइस प्रोग्रामिंग पसंद है, तो आप ओपन सोर्स की तरफ भी जा सकते हैं और उसको स्टार्ट करने के लिए मैंने आपको बुक्स जो हैं वो बता दी हैं। अगर आपका सर्टिफिकेशन का माइंड हो तो आप ए प्लस और रेड हैट प्रोफेशनल की सर्टिफिकेशन कर सकते हैं विंडोज़ और लिनक्स की ट्रैक पर। और जो आपके थर्ड और फाइनल ईयर में कोर्सेज आएंगे उसमें पैरेलल और इंटरनेटवर्किंग के दो कोर्स हैं जिनका किसी हद तक ताल्लुक और प्री रिक्विजिट के हिसाब से ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ बनता है और वो आप कर सकते हैं। और ये कुछ एरियाज़ थे जहाँ पे आप मज़ीद इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस कोर्स तो आप इसमें मज़ीद थोड़ा सा यू कैन स्क्रैच अ बिट मोर और आप इसमें अपने नॉलेज में इजाफा कर सकते हैं। तो सिलेबस हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो ये हमारा स्टूडेंट्स था आज का सेशन ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो अभी आपकी बात थी सेमेस्टर प्रोजेक्ट की, तो या ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड भी कोई बात हो तो यू गाइस कैन आस्क क्वेश्चंस, मैं आपकी क्यूरीज ले सकता हूँ बिकॉज दिस इज़ योर लास्ट सेशन। इसके बाद आप कैंपस पे आ जाएंगे और फिर आपके एग्जाम जो साइकोमोटर स्टार्ट हो जाएगा। सो इफ़ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क रिगार्डिंग योर सेमेस्टर प्रोजेक्ट और एट्सेट्रा। तो मुझे सी आर के जैन के और मैसेज आ रहे थे कि थोड़ी सी इसकी जो डेडलाइन है प्रोजेक्ट की वो एक्सटेंड कर दी जाए। तो फाइनल तक तो एक्सटेंड हो नहीं सकती क्योंकि साइकोमोटर में ही आपकी इवैल्यूएशन करनी है और रिज़ल्ट आपका जनरेट करना है। तो आपका पेपर है 5 तारीख को, ठीक है, 5 मई को आपका पेपर है। तो आप पहले तो ये बताएं एक्सटेंशन की ज़रूरत भी है क्लास को कि नहीं? जी सर, सर है। जी सर, हमने भी यही कहना था। अच्छा ठीक है, तो एक्सटेंशन बेटा उसमें यही हो सकता है कि जिस दिन आपका लास्ट पेपर है उस दिन आप मुझे ये जमा करा दें अपनी, या चलें वीकेंड पे आप काम करेंगे पेपर के बाद तो आप अगले मंडे को 12 जुलाई जो है ये आपकी लास्ट डेट होगी मुझे हार्ड कॉपी सबमिट करने की, और 11 जुलाई को संडे को आपने मुझे ईमेल कर देना है वो जो फाइनल आपकी टास्क थी उसको पेपर की फॉर्म में राइटअप करने की। 11 जुलाई को आपकी ईमेल मुझे मिल जानी चाहिए, 12 को आपकी हार्ड कॉपी मुझे सेमेस्टर प्रोजेक्ट की पिछली भी सारी जो आप सबमिट करते रहे हो वही वाली, और उस पर टाइटल आपने यही देना है असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2, असाइनमेंट 3, जैसे मार्क्स का हिसाब था वैसे आपने मुझे 12 तारीख को ये सारा काम सबमिट कर देना है। तो 12 को जिसकी नहीं आएगी तो उसके सेमेस्टर प्रोजेक्ट में 0 मार्क्स हो जाएंगे, हार्ड कॉपी मुझे नहीं मिलती तो आपके मार्क्स जो हैं इसमें नहीं लगेंगे, ठीक है। तो 1 हफ्ते की आपकी एक्सटेंशन है, 11 को यू हैव टू ईमेल लास्ट असाइनमेंट, 12th of July को एवरीथिंग ऑल इंक्लूसिव सेमेस्टर प्रोजेक्ट मुझे रिसीव हो जाना चाहिए जोहर की नमाज तक मंडे को, मंडे 12th। सर जो हमने प्रिंट करवाना है वो हमने सेपरेट मतलब डॉक्यूमेंटेशन अलग से, और जो असाइनमेंट पार्ट 1, 2 और 3 थी वो अलग अलग से प्रिंट करवानी है या एक ही डॉक्यूमेंट? बेटा आपने ना असाइनमेंट के हिसाब से प्रिंट कराना है क्योंकि रिसर्च पेपर तो आप बाद में पब्लिश करोगे ना जो भी करना चाहेगा। फिलहाल तो आपने मार्क्स के हिसाब से कि असाइनमेंट 1 थी उसमें एब्स्ट्रैक्ट था और आरीज थी वो आपने असाइनमेंट 1 मुझे दे दी। सर बाइंडिंग अलग अलग करानी है? बाइंडिंग बेटा उस सूरत में कराएं जब आपके पेज एक रिम के बराबर हों, 150-200 पेज हों जिनके खुलने का खतरा हो। अगर आपकी असाइनमेंट 40-45-40 सफ़ों में है तो बस आप स्टेप्टर लगाएं और मुझे दे दें, मैं उसे कोर्स फाइल में अटैच कर लूँगा। बाइंडिंग उन ग्रुप्स को ज़रूरत पड़ती है जिनका 500, 700, 800, 1000 पेज का काम हो, पूरा वो कॉपी हो, एक रिम दो रिम हो, जी टेबल्स ही होती हैं ज़्यादातर बाइंडिंग में, जो इंडिविजुअल प्रोसेस की जी टेबल्स होती हैं तो वो उस सूरत में है। बाकी आपका जी ग्राफ होगा वो तो ऑब्वियसली टेबल लेंथ के चार्ट्स होंगे 2-3, वो चार्ट्स में आ जाएगा। जी टेबल्स इंडिविजुअल हैं, अगर वो 100 से ज़्यादा पेज बन रहे हैं तो उसे बाइंड करा लीजिए, और बाकी जो आपका जैसे एब्स्ट्रैक्ट आरीज हैं वो तो 2 सफ़े 3 सफ़े होंगे 4 होंगे, उसको स्टेप्टर करें, असाइनमेंट 1 लिखें उस पर, रोल नंबर लिखें, मुझे जमा कराएं, फिर असाइनमेंट 2 जो उसकी थी टास्क 3 थी ऊपर आपने लिखना है, उसके पॉइंट्स भी लिखने हैं
और मुझे प्रिंट करके दे देना है। और फाइनल जो टास्क थी क्योंकि उसे ओपन कर ही लेते हैं डॉक्यूमेंट को। सर आपने जो डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च पेपर मतलब कहा था ना उसके आपने ना पॉइंट्स बताए थे तो उनको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं काइंडली कि उनमें क्या क्या लिखना है वो हमें समझ नहीं आ रही है कि मतलब हम अपनी असाइनमेंट के मुताबिक क्या एडजस्ट करें। देखें ये अभी मैं आपसे शेयर करता हूँ। ये था ना आपकी टास्क वन, इसके 50 पॉइंट थे। तो अब आपने जो मुझे काम जमा कराना है, जो मुझे आपने ईमेल किया था वही चीज़ प्रिंट करके जमा करानी है। अगर ईमेल कुछ और होगा, प्रिंट कुछ और होगा, मैं उसे क्रॉस करके ज़ीरो कर दूंगा, ठीक है? इस बात का ख्याल रखना। आपने ईमेल से एक भी आरी ज़्यादा की, मैं पूरे 50 में से ज़ीरो मार्क्स कर दूंगा उसके, ठीक है? तो आपने जो मुझे ईमेल की थी टास्क वन, वही टास्क वन मुझे प्रिंटेड फॉर्म में मिलना चाहिए। जिसकी चेंज हुई, आई एम गोना क्रॉस ऑल द सोल्यूशन एंड मार्क इट ज़ीरो एंड राइट अनफेयर मीन्स ऊपर लिख के मैं ज़ीरो कर दूंगा। तो जो मुझे ईमेल की थी आपने डॉक्यूमेंट, उसी का प्रिंट लेके आपने जब सर हमने लाइक फर्स्ट टाइम जो आपको ईमेल की थी उसके बाद मतलब विद इन दैट टाइम हमने चेंज भी कर ली थी सर जब हमारा प्रोजेक्ट सेम हो गया था। आपका भी था, हिब्बा लोगों का भी था। तो वो जिन्होंने सेम टाइम में दूसरी दफा मुझे ईमेल की थी वो अपना वही सलूशन भेजें जो वो भेजना चाहते हैं। मेरा मकसद ये है कि आपकी डेट ख़त्म हो गई, 27 मई फिनिश हो गया, मुझे काम में सबमिट किया आपने 10 पैटर्न्स, और अब जो मुझे आप असाइनमेंट आके पेपर के बाद जमा कराते हैं उसमें 100 पैटर्न लिखे हुए हैं, तो फिर तो मैंने उसे तो आपने ठीक है काम कराया था वो कराने। फिर देखेंगे टास्क है, ओके बेटा टास्क टू लिखी हुई है 9 जून के साथ। इसमें जो मुझे आपने ईमेल किया था बेटा वही आपने जो है ना वो देना है मुझे, ठीक है? इसके अलावा वर्दा के पास लिस्ट है जिन बच्चों ने लेट सबमिट किया था, उनके देखें लेट सबमिशन में आपके 2/3 पॉइंट उसमें से कट जाएंगे, तो बाकी 9 पॉइंट्स में से आपकी मार्क होगी, ठीक है? फर्स्ट सबका टाइम पे पहुंचा था। यहाँ पे लेट सबमिशन में देखें टास्क 3 में आपकी थी 32 out of 50 पॉइंट्स आपके ख़त्म हो जाएंगे और बाकी में से मिलेगा। इसमें जिन बच्चों ने सिर्फ मुझे ईमेल किया और वर्दा को सीसी नहीं किया, वो बच्चे आके मुझे अपना सेंट आइटम दिखाएंगे, मैं अपना इनबॉक्स चेक करूंगा, वेरीफाई हो जाएगा कि टाइम पे आई थी ईमेल, तो आपके 50 में से ही काउंट होंगे, ठीक है? अगर किसी बच्चे ने सीसी नहीं किया उनको, इट्स ओके, वो लेकिन मेरे पास आएंगे और मुझे दिखाएंगे कि सर देखें ये हमने आपको ईमेल की थी, वो मेरे इनबॉक्स में भी होगी, मैं भी चेक कर लूँगा, तो आपके पूरे 50 में से काउंट होंगे, ठीक है? तो ये तो थी आपकी, हो गई 50, 25 और 50, यानी कि 125 पॉइंट्स हो गए। जो आपकी अब टास्क है इसको यहाँ लिख लेते हैं, ये हो गई टास्क 2, 3, टास्क 4। मेरा ख्याल है मैंने ये लिखी नहीं, ये सेव क्यों नहीं है? चलें, इसकी डेडलाइन बन जाती है जी। ये डॉक्यूमेंट आपको नज़र आ रहा है बेटा? यस सर। ओके, तो ये 12 जुलाई बन जाती है। एक बजे तक आपने मुझे उस दिन लेनी है। अच्छा, इसमें मैंने आपको बताया था प्रोजेक्ट रिपोर्ट इन स्टैंडर्ड IEEE फॉर्मेट, इसके पॉइंट्स कितने बताए थे? 100 सर पॉइंट नहीं बताए थे बेटा, बताए थे। चले अभी डिसाइड कर लेते हैं। तो अब तक हो चुके हैं जी आपके 50 और 50, 100 और 125, 125 70, अगर मैंने पॉइंट्स नहीं बताए तो इसकी 75 पॉइंट्स रख लेते हैं ताकि 200 पूरे हो जाएंगे आपके पॉइंट्स ना।
अगर आप मुझे हार्ड कॉपी नहीं जमा कराते तो आपके जो ज़ीरो हो जाएंगे, ठीक है। पहले तो था टू थर्ड, अभी जो है वो टाइम नहीं होगा क्योंकि चेक करना है। तो आपने मुझे इस दिन या इससे पहले किसी भी टाइम आपने मुझे ये सबमिट कराना है, ठीक है, एट माय ऑफिस। और साथ ऑब्वियसली आपने ईमेल करनी है, ये वाला जो पार्ट है ये ऑब्वियसली ईमेल भी करना है फॉर द प्रूफ मेरे पास। मैंने उसको टर्निटिन पे भी चेक करना होगा, तो ये आपने मुझे ईमेल भी करना है मेरे ईमेल आईडी के ऊपर, ईमेल टिल 11 July 2021 11:59 PM। तो आपने रात 12 बजे से पहले पहले ना मुझे 11 जुलाई को अपना ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ईमेल कर देनी है। तो ये अब इसके बेटा टोटल 200 पॉइंट्स मुझे लग रहे हैं, 50 and 50, 100, 125 और 200 पॉइंट्स जो हैं वो इसके हो जाएंगे। और इसकी वेटेज भी आपके सामने आ जाएगी जल्द, मैं आपकी क्विज डिज़ाइन कर लूँगा। जैसा कि मैंने पहले बताया था, मिनिमम 10% एंड मैक्सिमम 15% इन एडिशन टू टू क्विजेज जो कि एज़ पर शेड्यूल होंगे। उसके अलावा आपकी जो है ना ये दो टास्क आपने करना होंगे। तो आपके जो दो क्विज़ होंगे, एक फर्स्ट वीक में होगा मिड टर्म के सिलेबस में से साइकोमोटर के, और एक उसके बाद वाला जो वीक है वो क्विज़ टू आपका उस हफ्ते में होगा, वो फाइनल टर्म के सिलेबस में से होगा। लेकिन आपको पता है ये कोर्स प्रोग्रामिंग की तरह है, अगर आपने आरई पढ़ लिया है तो आगे सीएफजी में भी आरईज़ हैं, एफएसए पढ़ लिया है तो डीटीएम में भी एफएसएज़ हैं, ठीक है। तो वो पिछला नॉलेज जो है वो आपकी जान नहीं छोड़ रहा है आगे। तो हायरार्की में कोर्स है, सिक्वेंशियल कोर्स है, बस मिड टर्म तक आपके वो क्लिनी थ्योरम तक है, और ये कोर्स आउटलाइन के हिसाब आपको दी हुई है उसी हिसाब से जो 8 हफ्ते बनते हैं वो आपके मिड टर्म में है, और उसके बाद वाली चीज़ आपके फाइनल टर्म के अंदर है, ठीक है। लेकिन फाइनल टर्म में मिड टर्म ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड हो जाएगा, एक्सक्लूड कर नहीं सकते। तो दो आपके क्विज होंगे बेटा, और ये आपका एक सेमेस्टर प्रोजेक्ट जो है ये भी हो जाएगा। तो इसको मैं सेव कर लिया, इसको क्लोज कर देते हैं हम। नहीं, पेपर के साथ ना बच्चों का माइंड एग्जॉस्ट हो चुका होता है मशीन्स वगैरह डिज़ाइन करके, तो क्विज उनका अच्छा नहीं होता, पेपर के बाद होगा। जो आपका साइकोमोटर इवैल्यूएशन का वीक यूईटी ने दिया है, इतना बड़ा साइकोमोटर का टाइम दिया आपका, तो उसके अंदर ही होगा जो आपका डेजिग्नेटेड टाइम है। पहले हफ्ते के अंदर क्विज वन, और उसके बाद मैं आपको डेट कैंपस आगे हो गए बता दूंगा कि जी क्विज टू होगा। फर्स्ट सेशन में क्विज नहीं होगा, सेकेंड सेशन जो होगा मेरा आपके साथ लैब का, उसके अंदर आपका क्विज वन कंडक्ट होगा। फर्स्ट में नहीं, सेकेंड सेशन, दो सेशन होंगे हर हफ्ते लैब की इवेल्युएशन के, तो सेकेंड सेशन में आपका जो है वो क्विज होगा। बाकी लैब की जहाँ तक बात है सीपी एक्टिविटीज़, तो ज़फ़र मुझे जो है वो बता देंगे किन किन डेट्स में थी, मैं उसके अंदर आपकी अटेंडेंस चेक करूँगा और आपकी ईमेल चेक करूँगा और आपके मार्क्स आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा जैसा हमेशा से होता है कि उसमें आपका लैब परफॉर्म जो प्रोग्रामिंग टेस्ट होगा, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट होगा, वाइवा होगा, तीन चीज़ें आपकी इसके अंदर होंगी लैब में। उसके जब आप कैंपस आ जाएंगे तो आपको ग्रुप्स का शेड्यूल और सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। जो लैब वन है वो अनमार्क्ड है, वो डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी के ऊपर है, और आपको उसमें मैं शेड्यूल भी बता दूंगा कि किस तरीके से चलना है। लैब टू से आपकी इवेल्यूएशन स्टार्ट हो जाएगी, आपके ग्रुप पे आप जो स्टडी ग्रुप है उस पर आपका पोस्ट हो जाएगा स्केड्यूल के किस ग्रुप का, बच्चों के ग्रुप का जो है वो प्रोग्रामिंग टेस्ट है, वाइवा है, या कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट, तो सबका एक साथ होगा क्लास का। तो वो सारा स्केड्यूल आपको जब आप आएंगे, आपके एग्ज़ाम्स ख़त्म होंगे, लैब वन होगी, उस वक्त तक आपके ग्रुप पे पोस्ट हो जाएगा, और उस हिसाब से आपकी बाकी लैब की इवेल्यूशंस जारी रहेगी। तो अभी आपके कोई क्यूरी अगर रह गई है तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम आज के सेशन को एंड करते हैं। सर जी, सर रिसर्च पेपर का बता दें, उसके अंदर मतलब उसकी सारी डिटेल बेटा, उसमें मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, आप उसमें उसको वीडियो को प्ले करके सुन सकते हो, लेक्चर में मैंने डिटेल के साथ बता दिया हुआ है। उसका फॉर्मेट भी मैंने आपके ग्रुप पे अपलोड कर दिया है IEEE का, उसमें जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था वही उसकी डिटेल्स हैं कि आपने एक एब्स्ट्रैक्ट लिखना है जो पहले से लिखा हुआ है आपने असाइनमेंट वन के अंदर। इंट्रोडक्शन में आपने डिटेल्ड एब्स्ट्रैक्ट लिखना होता है, एब्स्ट्रैक्ट एक पैराग्राफ में होता है, और इंट्रोडक्शन तकरीबन आपने देखा होगा बहुत से रिसर्च पेपर पढ़े होंगे कि तकरीबन पहले पेज जो होता है उसके ऊपर इंट्रोडक्शन ही चल रहा होता है।
तो बाज़ औक़ात उससे भी आगे चल जाता है, लेकिन आपका इतना ज़्यादा काम तो नहीं। जब वो 3-4 साल की रिसर्च होती है या किसी बड़ी लैब में 40-50 लोग मिलके कर रहे होते हैं छोटे प्रोजेक्ट का, अभी उसकी बड़ा डिटेल्ड पेपर होता है और इंट्रोडक्शन होता है। आपका इंट्रोडक्शन पहले पेज पर ही ऑब्वियसली पूरा हो जाएगा, उसमें आपने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को समराइज़ करना होता है और आपने क्या काम किया है। उसके बाद लिटरेचर रिव्यू है, आपने जहाँ से रिसर्च पेपर्स पढ़े थे, जहाँ से आइडिया लिया था प्रोजेक्ट का, वो होते हैं। उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आपने लिखना है, वो वर्ड में मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ, बता भी चुका हूँ, ICT में भी देख चुके हैं आपके कैसे रेफरेंस मैनेज करते हैं MS वर्ड में। उसके बाद आपका जो प्रोजेक्ट है तीसरे सेक्शन में वो आ जाएगा, मटेरियल्स एंड मेथड्स में। और मैंने पिछले किसी लेक्चर में बताया था, आपने शायद सुना नहीं या रिकॉर्डिंग नहीं प्ले की, कि उसमें इमेजेस जो हैं आप उनको स्केल कर सकते हैं, स्केल डाउन टू 1 कॉलम, और अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो आप उसको फिर पूरे पेज के ऊपर शो कर सकते हैं, बट कोशिश करें कि स्केल डाउन टू 1 कॉलम करें। मैंने लास्ट टाइम जब असाइनमेंट दी थी तो आपको पेपर्स भी शो किए थे कुछ गूगल स्कॉलर से, तो कोशिश करें कि स्केल डाउन करें, नहीं होती तो आप पूरी दे दें, या अपेंडिक्स के अंदर आप ABC में अपनी कोई बहुत लेंथी फुल पेज इमेजेस हैं तो उनको अपेंडिसेस के अंदर दे सकती हैं, और वैसे आप स्केलिंग ही यूजुअली इस्तेमाल करते हैं। मटेरियल्स एंड मेथड में आपकी सारी रिसर्च आ जाएगी, हेडिंग आप कोई भी दे सकते हैं, ये तो मैं बता रहा हूँ कि सेक्शन में होता क्या है। और फिर फाइनली आपका कंक्लूजन एंड फ्यूचर वर्क होता है, आप उसमें कंक्लूड करते हैं, समराइज करते हैं, कंक्लूजन एंड ऑफ द स्टोरी होता है, और फ्यूचर में क्या कर सकते हैं आप इस पर मज़ीद इम्प्रूवमेंट, वो लिखी होती है, दैट्स इट। इसी फॉर्म में आपने अपने सारे काम को समराइज करना है। बेसिकली यू हैव टू शो योर स्किल्स इन साइंटिफिक राइटिंग, आपने अपनी जो राइटिंग स्किल्स हैं उसमें आपने अपने सारे काम को समराइज करना है, ठीक है। तो ये आपने बेसिकली आपका अपना काम इन अ साइंटिफिक मैनर आपने लिख के प्रॉपर फॉर्मेट में जमा करा देना है, दैट्स इट। और सीनियर ग्रेड में जब आप आ जाते हैं तो असाइनमेंट्स ऐसे ही सबमिट होती हैं, जो सेमेस्टर प्रोजेक्ट होता है वो आपका किसी ना किसी स्टैंडर्ड फॉर्म में, पेपर फॉर्म में आप सबमिट करते हैं, तो यही प्रोजेक्ट फिर आपका पब्लिश हो जाता है। कुछ बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में और पाकिस्तान में भी वेरी फ्यू यूनिवर्सिटीज़ में यूनिवर्सिटी प्रिंटिंग प्रेस होते हैं, तो उसमें जो आपके ये जो काम होता है कोर्स का, ये पब्लिश हो जाता है यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट में। जैसे अगर मैं आपको कोर्स पढ़ा रहा हूँ थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा, तो इसमें अगर आपके 10 सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स हैं या इवन आपकी असाइनमेंट्स हैं, तो वो आपकी यूनिवर्सिटी प्रिंटिंग प्रेस से एक पूरा वॉल्यूम में एक प्रिंट होके तो लाइब्रेरी में चली जाती है, या ई प्रिंट होके लाइब्रेरी में चली जाती है, आपका काम पब्लिश हो जाता है यूनिवर्सिटी के अंदर। आप कभी गूगल स्कॉलर पे जाएं, आपको अक्सर बर्कले यूनिवर्सिटी की, स्टैनफोर्ड की रिपोर्ट्स नज़र आएंगी, और उसमें यही लिखा होता है कि ये काम हमें एज ए सेमेस्टर प्रोजेक्ट मिला था BSc में, और हमने ये रिसर्च किया और ये रिपोर्ट उस काम का नतीजा, ये हमारे टीम मेंबर्स थे, फलां हमारे सुपरवाइज़र थे, तो वो पब्लिश हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे उस तरह तो नहीं कर सकते, लेकिन चलें आप इसको किसी जर्नल में पब्लिश करा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक सेमेस्टर से ऊपर एक और सेमेस्टर पूरा मेहनत करना पड़ेगी इसको स्टैंडर्ड पर लेकर जाने की, अपनी राइटिंग को और काम को, कि ये किसी इंटरनेशनल इम्पैक्ट फैक्टर ISI इंडेक्स जर्नल में पब्लिश हो सके। लेकिन पब्लिश हो जाता है, पहले आपके सीनियर्स ने भी करते रहे हैं, 1011 में लोग करते रहे हैं, उन्होंने अपना काम पब्लिश किया है, आपको मैंने एक दो पेपर दिखाए भी थे स्टूडेंट्स के, तो दैट्स इट। ये आपने काम करना है, और ये क्वालिटेटिव राइटिंग है, इसमें आपका कंपटीशन क्वालिटी पे होगा। कुछ टास्क आपकी क्वांटिटेटिव थी, जैसे जी ग्राफ था, नंबर ऑफ एक्शंस थे, उसमें क्वांटिटी पे मुकाबला था, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट वॉज अ क्वालिटेटिव टास्क, एज वेल एज ये फाइनल असाइनमेंट इज़ अ क्वालिटेटिव टास्क। तो इसमें हर तरह के स्टूडेंट्स कवर हो जाते हैं, जो क्वांटिटी में अच्छे होते हैं उन बच्चों ने जी मेथड के अंदर, एक्शंस के अंदर डेफिनेटली सरपास कर दिया होगा बाकी सबको। जो बच्चे क्वालिटी साइड पे बेहतर हैं वो फिर क्वांटिटी वालों को यहाँ पे बैलेंस ऑफ कर सकते हैं, और जो क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में बेस्ट होते हैं वो फिर एक्सेल कर जाते हैं सेमेस्टर प्रोजेक्ट के अंदर। तो वो हर सेशन में ऐसा होता है, लेकिन ये है कि दोनों साइड्स हैं, राइटिंग में आप वीक हैं, क्वालिटेटिव साइड पे इमेजिनेशन स्किल्स में वीक हैं, तो क्वांटिटी में इम्प्रूव कर जाएं। एक्शन जी मेथड आप बहुत ऊपर लेके जाके उसमें से पॉइंट्स ले रहे हैं, और आपका चाहे पेपर थोड़ा हल्का भी हो जाएगा तो सेमेस्टर प्रोजेक्ट रिपोर्ट थोड़ी हल्की भी होगी, तो वहाँ से आपका कवर अप हो जाएगा। तो जिन बच्चों की क्वालिटेटिव स्किल्स बहुत अच्छे हैं वो
इतने ज़्यादा टाइम पे क्वांटिटेटिवली कंसंट्रेट नहीं कर सकते, तो वो कंप्लीट कर सकते हैं ये जो अब असाइनमेंट मिली हुई है, या पहली असाइनमेंट में एब्स्ट्रैक्ट की टास्क थी। इसी तरह से जो वेटेड ट्रांसड्यूसर था वो भी क्वालिटेटिव वर्क था कि आप कितने सोच के वेट्स अटैच करते हैं, वो चाहे आप एक बनाएं लेकिन उसमें क्वालिटी के मार्क्स हैं। क्वांटिटेटिव बाकी सारा क्वांटिटेटिव था, नंबर ऑफ एक्शन, जी मेथड, वो सब क्वांटिटेटिव टास्क थी, नंबर ऑफ एफएसएस, वो सब क्वांटिटेटिव था। क्वालिटेटिव एब्स्ट्रैक्ट था प्योरली, और अब की टास्क प्योरली क्वालिटेटिव है। जो वेटेड ट्रांसड्यूसर थे वो क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव था विद अ मेजर फैक्टर ऑफ क्वालिटेटिव मिक्सचर। तो ये आपकी इसमें कुछ रिमार्क्स हैं मार्किंग के हवाले से भी, और इसको जिसको इवेलुएशन रबरिक बोलते हैं तो वो इस बेस पे ही आपका इवेलुएट होगा। बाकी रिलेटिव ग्रेडिंग है, हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए ग्रुप्स में, ये एक अच्छी बात होती है। तो वो आपकी विद इन योर क्लास आपका रिलेटिव ग्रेडिंग पे सेमेस्टर प्रोजेक्ट में एक दूसरे से कंपटीशन भी है, तो जिसका बेस्ट सोल्यूशन होगा उसको बेस्ट रिवॉर्ड मिलेगा, जिसका लीस्ट सोल्यूशन होगा अपनी क्लास के मुकाबले उसे लीस्ट रिवॉर्ड मिलेगा। ओके जी, एनी अदर क्वेश्चंस? ठीक है, नो सर। ओके जी, तो इंशाल्लाह आपसे फिर स्टूडेंट्स मंडे को पेपर के दिन मुलाकात होती है। ऑटोमेटा थ्योरी के जो डेट शीट आपको मिली हुई है उस टाइम पे विश यू ऑल द बेस्ट, अच्छी सी तैयारी कीजिए पेपर की। और आप में से पहले भी पढ़ चुके हैं एक से ज़्यादा कोर्सेज, तो आपको पेपर का आइडिया है। इस पेपर में ज़ाहिर है आपके कोई लिखने वाले सवाल तो आ नहीं सकते थ्योरी के, हाँ कोई शॉर्ट क्वेश्चन अगर आपसे लिखा हुआ हो तो वो हो सकता है। मिसाल के तौर पे जैसे ए प्लस बी क्लोजर लिखा हुआ है और आगे वर्ड्स लिखे हुए हैं इक्वल टू लैम्डा ए बी, तो वो ट्रू होगा। अगर इक्वल टू ए बी है तो लैम्डा तो होना चाहिए इसमें, वो फॉल्स हो जाएगा। इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं, या जैसे आपसे पूछा जा सकता है वर्ड ऑफ नो लेटर इज़, तो आपको पता है एक ही एप्सिलॉन या लैम्डा, ठीक है वो आप लिख सकते हैं, लेकिन ये नहीं इसमें जो आपके चैप्टर वन में जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट पढ़ी कोर्स की वो नहीं होगी, यानी कि उस पर नोट लिखने का मैं नहीं पूछूंगा। लेकिन आपने फर्स्ट चैप्टर भी ऑब्वियसली करना तो है, पार्ट ऑफ द सिलेबस है। तो इस पे क्वांटिटेटिव पेपर है तो क्वांटिटेटिव क्वेश्चंस ही होते हैं मोस्टली, तो उसकी तैयारी करें। जो आपका 8 वीक्स का सिलेबस दिया हुआ है, मेरा ख्याल है पहले 7 चैप्टर्स हैं उसमें, तो उन 7 चैप्टर्स अच्छी तरह करें क्लीनी थ्योरम तक, फर्स्ट 7 चैप्टर्स। तो इंशाल्लाह आपसे मंडे को मुलाकात होती है। टिल दैट टाइम टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर, अल्लाह।